हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, से जो वीडियो बनाऊंगी अब तक पहले पहुँचेगी नोटिफिकेशन के द्वारा। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक स्विस ब्यूटी का, जो आपका शेप देती है आपका आईब्रो को, और फिर ब्राउज पाउडर है प्लस इसमें वैक्स क्रीम है। तो इससे पहले इसकी प्राइस की बात कर लो फ्रेंड्स, की प्राइस जो है वो 199 रुपीज़ है, और सेल्फ लाइफ जो है वो 2 ईयर्स की है, और फिर ये नेट वेट की बात करो तो 5 ग्राम की है। तो इस तरह का ये पैलेट है, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। जो आपका एक प्रोडक्ट में आपको आईब्रो को शेप मिल जाएगी, और 3 कलर का आप मिक्सिंग करके अपने आईब्रो को काफ़ी अच्छा लुक देख सकते हैं। तो इस तरह का कलर है जो मैं दिखा रही हूँ आपको, तो इसमें ये 3 कलर है, ब्लैक है कलर फर्स्ट आपका, फिर सेकंड ग्रे है, और थर्ड जो है वो ब्राउन हल्की ब्राउन है, और फिर लास्टली ये इसमें वैक्स है, और फिर प्लस ये ब्रश दिया गया है, इसमें छोटी सी ब्रश है जिससे आप आईब्रो पर ही सब चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो स्विस ब्यूटी का प्रोडक्ट है हमारे आईब्रो का काफ़ी अच्छा लुक देती है, काफ़ी अच्छा आकार देती है। तो इसे मैं अपने आईब्रो पर अप्लाई करके दिखाऊँगी ये 3 कलर को, और फिर साथ में वैक्स को कैसे कैसे से यूज़ किया जाता है अपने आईब्रो के लिए। आप इसे आईब्रो के शेप के लिए 3 कलर को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। तो इसमें ये इस तरह का मिरर है, और फिर ये 3 कलर है, और उसके बाद ये एक वैक्स क्रीम है जिसे आईब्रो को सेट करने के लगाना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट मैं अपने आईब्रो के लिए ब्लैक कलर लूँगी। तो इस तरह से मैं स्विस ब्यूटी का आईब्रो पे ये ब्राउज़र पाउडर को लगा रही हूँ ब्लैक कलर का। तो इस तरह से मैं ब्लैक को साइड साइड मैंने अप्लाई किया है आईब्रो पे हल्की हल्की हाथों से, तो अधिक आपको लेना भी नहीं है आईब्रो पे लगाने के लिए। उसी तरह से मैं जो 2 कलर और भी है तो उसे भी इसी के ऊपर मिक्सिंग करके लगाऊंगी, जिससे हमारी आईब्रो की शेप अच्छी सी बनी रहेगी। तो इस तरह से देखिए मैं लगा रही हूँ आईब्रो पे। तो सेकंड कलर जो है ये ग्रे कलर का है, तो इसे मैं अपने आईब्रो पे इसी पर लगा रही हूँ। आपको अधिक भी नहीं लेना है आईब्रो पे अप्लाई करने के लिए। तो इस तरह से मैं पहले ब्लैक को साइड से लगाया, फिर उसके बाद बीच में मैंने ये ग्रे कलर को अप्लाई किया है। तो अब मैं लास्टली ब्राउन कलर को लूँगी जो अपने आईब्रो पे अप्लाई करना है। तो इस तरह से मैं हल्की सी ब्राउन कलर को ली हूँ, और फिर पूरी आईब्रो पे अच्छी तरह से इसे अप्लाई कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरा फाइनली आईब्रो का एक तरफ का लुक है। तो दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से अब 3 कलर को अप्लाई करूँगी आईब्रो के लिए, और वैक्स जो है वो लास्ट में मैं लगाऊँगी आईब्रो पे। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट ब्लैक कलर लिया जो साइड साइड में टचअप दूँगी। तो मैं नीचे और ऊपर दोनों साइड साइड मैंने आईब्रो पे ये अप्लाई किया है, हल्की हल्की हाथों से ही आपको अप्लाई करना है। तो इस तरह से, तो देखिए इस तरह से सेकेंड कलर को भी अप्लाई कर रही हूँ मैं जो ग्रे कलर का है, और फिर जो लास्टली जो कलर है ब्राउन उसे भी अप्लाई करूँगी। तो मेरे पास ये ब्रश है जिससे मैं ये वैक्स क्रीम को आईब्रो के ऊपर लगाऊंगी, जिससे मेरी आईब्रो जो है अच्छी सी शेप बने रहे, और फिर अच्छा सा लुक देगी। ये स्विस ब्यूटी आईब्रो जो है शेड्स जो है आपकी आईब्रो को रंग तो आसानी से मेल खाने के लिए बहुत ही अच्छा कलर है ये, और काफ़ी कम दामों में ही ये मार्केट में उपलब्ध है। तो ये हम मैं इसे बेस्ट मानती हूँ आईब्रो के लिए। तो आप भी इसे यूज़ करके देखें किस तरह से है। तो इस तरह से मैंने फाइनली वैक्स क्रीम को अप्लाई कर लिया आईब्रो के ऊपर। आप जो ये वैक्स क्रीम लगाए हैं इससे आपके आईब्रो जो है वो चिकना बनी रहती है, और फिर आपके आईब्रो के आधार को बनाए रखती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये रिव्यू पसंद आई होगी स्विस ब्यूटी का। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, से जो वीडियो बनाऊंगी अब तक पहले पहुँचेगी नोटिफिकेशन के द्वारा। बाय फ्रेंड्स।